हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज स्पेशल सेशन ऑन बलराम जयंती। बलराम जयंती के इस विशेष और शुभ दिन पर आज का जो हमारा विशेष प्रवचन है वो है बलराम पूर्णिमा, भगवान बलराम जी के आविर्भाव दिवस के ऊपर। तो सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं भगवत नाम उच्चारण के साथ, रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ अपने आज के इस सत्र के लिए। So, श्री बलराम पूर्णिमा और भगवान बलराम का अवतरण जन्मोत्सव, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बलराम जी हैं कौन। प्रभुपाद जी बतलाते हैं और शास्त्रों में वर्णित है, भगवान कृष्ण के जो पहले विस्तार, पहले एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन जो है उनकी स्वयं के रूप में पहले अवतार, मतलब आप बोल सकते हैं उनसे जो विस्तृत, उनसे जो निकलता है, फर्स्ट पर्सन कोई निकलता है तो वो है बलराम जी, बलदेव जी, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। पहली बात हुई। दूसरा, बलदेव बलराम जब यहां अवतरित हुए इस धरती पर, हरेक द्वापर युग में, ब्रह्मा के एक दिन में एक द्वापर युग में भगवान का अवतरण होता है। ब्रह्मा के एक दिन में हजार द्वापर युग आता है, लेकिन भगवान कृष्ण एक द्वापर युग में अवतरित होते हैं और उनके साथ साथ बलराम भी अवतरित होते हैं। So, हम लोग बलराम जी के विषय में पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, बलराम जी का के लिए जो प्रणाम मंत्र है उसको दोहराएंगे। तो मेरे बात बोलिएगा। नमस्ते हलग्रहा, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते धरणी धरा, नमस्ते बलनाम श्रेष्ठा, प्रलंबारे नमस्ते स्तु, एहि माम कृष्ण पूर्वजा। तो ये प्रणाम मंत्र है, इसका अर्थ हुआ बलराम जी हर समय अपने हाथों में क्या धारण करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने आज दर्शन भेजा था, आप लोगों ने दर्शन देखा होगा, भगवान के हाथ में हलक ग्रह, उनके हाथ में क्या है, हल है, हलायुधा भी बोलते हैं, और उनके हाथों में गदा भी है, इसलिए उनको बोलते हैं मूसलायुधा। हलायुधा या हलाग्रह या मूसलायुधा, तो वैसे श्री भगवान को जिनके हाथों में हल है हथियार के रूप में और जिनके हाथों में गदा है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। आई एम पेइंग रेस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस ऑन टू हिज लोटस फीट। और वे जो कि रेवती, माता रेवती के प्रिय हैं, रेवती कांता, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। और जो अपने भक्तों के लिए वे हर समय भक्तों के हेल्प के लिए, भक्तों की बाधाओं को दूर करने के लिए मौजूद होते हैं, भक्त वत्सल, भक्तों की रक्षा के लिए
वैसे भगवान श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नमस्ते धरणी धरा, बलराम जी अपने शेषनाग रूप में पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण रखते हैं, अपने फन के ऊपर धारण करते हैं, इसलिए धरणी, धरणी मीन्स पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी उसी के अंतर्गत आता है, धरणी धरा। और बलनाम श्रेष्ठा, जब बलशाली लोगों की बात होती है, बलवान लोगों की बात होती है, तो बलराम जी उसमें सबसे टॉप क्लास, सबसे श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक भौतिक दृष्टिकोण से भी और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, इसीलिए बलराम जी का नाम बलराम है। इसके विषय में भी हम देखेंगे किस प्रकार से उनका नामकरण होता है। और लास्ट प्रलंबारे नमस्ते स्तु, जो प्रलंबासुर के शत्रु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। एही माम कृष्णा पूर्वजा, एही माम, ऐसे भगवान को मैं आग्रह करता हूं कि वे हमारे जीवन में आए। और कृष्ण पूर्वजा, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित होते हैं बलराम जी के रूप में। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम का अवतरण होता है इस धरती पर द्वापर युग में, आज से 5,500 वर्ष पहले जब अवतरित हुए थे, तो सातवें पुत्र के रूप में देवकी के बलराम जी का अवतरण हुआ, देवकी के घर में, और कृष्ण का आठवें पुत्र के रूप में। तो उनका जो यहाँ पर जन्म लेना, यहाँ पर उनका अवतरण है, वो भी बड़ा यूनिक है। उनका जन्म होता, उनका अवतरण होता है देवकी के घर में, और भगवान योग माया के द्वारा उसको ट्रांसफर कर देते हैं रोहिणी के घर में। रोहिणी जी रहती हैं कहाँ? रोहिणी जी रहती हैं गोकुल में, और देवकी जो है वो रहती हैं मथुरा के जेल में, कारावास में, कारागार में। तो वहां से वहां शिफ्टिंग हो जाता है। तो जब उनका ट्रांसफर होता है वहां से, और जब भगवान कृष्ण का भी अवतरण हो जाता है, तो अभी आप देखते हैं कि आज जो है वो पूर्णिमा है, और 19th को जब अष्टमी होगा तब कृष्णा का अवतरण होता है। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि एक ही समय में, एक ही साल में ऐसा हुआ, डिफरेंस है एज का। तो जब दोनों का अवतरण होता है कहां पर? वृंदावन गोकुल में। तब उसके बाद नामकरण होता है, नामकरण के लिए वहां पर जो यदु कुल के जो कुलगुरु हैं वे आते हैं, और वे आकर के जब नामकरण करते हैं तो वो बलराम जी का नाम तीन नाम देते हैं, बोलते हैं कि यह जो बालक है वह यदुकुल, वो एक्चुअली यदुकुल डायरेक्टली नहीं बोलता, हाँ यदुकुल बोलते हैं रोहिणी पुत्र होने के कारण, कि यदुकुल, और यहाँ पर वृंदावन और गोकुल में भी सबों के बीच बड़ा ही आनंद देने का माध्यम होगा, सबको आनंद देगा, इसलिए इनका नाम है राम, बोलते हैं राम। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा ही शक्तिशाली होगा शारीरिक तौर पर भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, इसीलिए बल भी इनमें होगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम या बलभद्र। और दूसरा वो बोलते हैं, चूंकि ये फोर्सफुली, मतलब वो ऐसा बोलते तो नहीं है वहां पे क्लियरली कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आ रहे हैं, लेकिन वो शब्द यूज करते हैं कि इन दोनों वंशों के बीच में, मतलब यहाँ जहाँ पे नंद बाबा हैं और उधर जो यदुकुल में वसुदेव हैं, उन दोनों के बीच ये एक ब्रिज का काम करेगा, कनेक्शन का काम करेगा, इसलिए संकर्षण, संकर्षण मतलब जो आकर्षित करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, संकर्षण, आकर्षण। तो दोनों वंशों में ये एक ब्रिज का काम करेगा, दोनों को जोड़े रखेगा, तो संकर्षण हो गया। और तो बलराम, संकर्षण,
और तीसरा नाम जो वो देते हैं वे बलभद्र, जो मैंने बोला तीन नाम उनका वो देते हैं। तो ये हुआ भगवान का अवतरण यहां पर। तो बलराम जी जब अवतरित होते हैं कृष्ण के साथ, प्रभुपाद जी बतलाते हैं बलराम और कृष्ण में केवल कलर का फर्क है और कोई अंतर नहीं है। जो बलराम, जो कृष्ण है वही बलराम है। और इसके पीछे घटना भी है कि जब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण अवतरित होते हैं, जो स्वयं बलराम है, तो कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता है करने के लिए। जैसे अग्नि परीक्षा हुआ तो भगवान ने लक्ष्मण को बोला कि फायर सेट करो और सीता को बोलो उसे गुजरने के लिए, तो उनका मन नहीं था ऐसा करने का, लेकिन छोटे भाई थे तो करना पड़ा। वैसे ही सीता माता को जब वनवास के लिए छोड़ना था तो लक्ष्मण जी को बोला गया, वो भी इच्छा नहीं था। इस प्रकार से कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो इनको करना पड़ा एज ए यंगर ब्रदर। तो बलराम जी का मन था कि अब यंगर नहीं होंगे, तो नेक्स्ट जब अवतरित होते हैं तो बड़े भाई के रूप में, तो केवल बलराम के रूप में ही बड़े भाई के रूप में होते हैं, अदरवाइज सब जगह सबऑर्डिनेट होते हैं। तो चूंकि इनका पोजीशन, जैसे हमने बतलाया कि श्री कृष्ण में और बलराम में केवल कलर का अंतर है, केवल कलर का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन एक जो है सेव्य भगवान है और दूसरे सेवक भगवान है। मतलब कृष्ण जो है उनकी सेवा की जाती, और कौन करता है तो सेवक भगवान करते हैं, बलराम जी उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए जब आप लोग श्रीमद् भागवत में या कृष्णा बुक में पढ़ेंगे तो कई बार देखेंगे बलराम जी भगवान कृष्ण के पैरों का मसाज करते रहते हैं, और तीन रूपों में, तीन रसों में बलराम कृष्ण के साथ अटैच्ड होते हैं। वात्सल्य के भाव में बड़े भाई के रूप में उनको मेंटेन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, फ्रेंड के रूप में, सखा के रूप में भी, और दास्य के रूप में जब उनकी सेवा करते हैं, असिस्टेंट के रूप में, तीन रूपों में। तो बलराम जी और कृष्ण जब अवतरित होते हैं गोकुल में और फिर वृंदावन में ट्रांसफर होते हैं, तो उसके बीच में कई सारे राक्षस, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं डेली का अफेयर था कि कोई ना कोई राक्षस कंस के द्वारा भेजा जाता था कृष्ण को मारने के लिए, बलराम जी का वध करने के लिए। तो उसी सिलसिले में भगवान, एक बार क्या होता है, जो ग्वाल बाल जैसे कृष्णा के फ्रेंड्स हैं, कृष्णा और बलराम एक साथ ही रहते थे, लेकिन कुछ कुछ फ्रेंड्स कृष्णा के साथ थे उनके, और कुछ बलराम के साथ थे, कुछ जो डायरेक्टली बलराम के वो थे, फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स, और कुछ कृष्ण के क्लोज फ्रेंड्स। तो बलराम जी के जो क्लोज फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स उनको बोलते हैं, मित्र कि आज मुझे ना ताल वन जाकर के, ताल वन में स्पेशल वो ताल, आप बोल सकते हैं जो अभी अभी ताल तो नहीं, वो एग्जैक्टली तो नहीं है, वाटरमेलन और वो सब जो आता है उस प्रकार के पेड़ जो आप देखते हैं, ताल अभी नहीं है एग्जैक्टली, वो अभी तो वो उस अल्कोहल और उसमें यूज होता है उसका फर्मेंट करके, उस समय में वो जो ताल वन था उससे एक स्पेशल जूस निकलता था, उसको बोलते थे सोमरस, जो देवता लोग पीते हैं, इंद्र के अंडर में था वो, इंद्र उसका शासक था पहले, लेकिन कंस ने क्या किया था, इंद्र से वो कब्जा कर लिया था प्लेस को। तो ताल वन मीन्स वहां ताल के वृक्ष थे, और ताल के वृक्ष में फल लगते थे, और उस फलों का एरोमा, उसके सुगंध बहुत पावरफुल थे, दूर दूर तक स्मेल होता था वो, तो उससे सोमरस निकलता था देवताओं के लिए। सोमरस क्या होता है, जिसे शक्ति मिलता है, सुंदरता होती है, यूथफुलनेस होता है, बहुत सारी चीजें मिलती है उसे। तो कंस ने उसको छीन करके और वहां पे अपने चौकीदार को लगा रखा था, उसका नाम था धेनुकासुर, जो एक डोंकी, जो एक गधे के रूप में उधर रहता था और सुरक्षा करता था, वो असुर था। तो जब इनके मित्र बोलते हैं कि आप जो है जाइए मेरे साथ, चलिए हमको खाने की इच्छा है, और वो पेड़ इतने लंबे लंबे हैं, वो कैसे टूटेगा,
आप हेल्प करोगे तो हो सकता है आप अगर खिलाना चाहते हो तो, मित्रों ने बोला, फ्रेंड्स ने, और सभी चले गए उस तालवन में। बलराम जी ने क्या किया, पेड़ को पकड़ करके अपनी शक्ति से पूरे पेड़ को ही हिला डाला और जो भी पके हुए फल थे वो नीचे आ गए। जब ऐसा होता है तो बहुत जोरों से आवाज होती है, क्योंकि बलराम जी की शक्ति बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी शक्ति तो ब्रह्मांड और जो हमारा ब्रह्मांड से भी ज्यादा उनकी उनका भार है, उनकी शक्ति है, उतना पावरफुल पर्सन है। तो जब इतनी आवाज होती है तो वो धेनुकासुर राक्षस जग जाता है। और किस रूप में होता है, एक डोंकी के रूप में, गधे के रूप में, ऐस के रूप में वो आता है वहां और अटैक करता है। तब तक कृष्णा भी वहां रहते हैं, तो कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, सारे आप देखेंगे कि जो गधा होता है ना वो अपने पैर से मारता है, पीछे वाले पैर से, हिंड लेग। तो बलराम जी और कृष्ण उनके पीछे वाले पैर को पकड़ लेते हैं और विरल करके उसको घुमा करके और उसी पेड़ों पे फेंक देते हैं और उसका उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये धेनुकासुर बद्ध हुआ। और ऐसे ही करके दूसरी और आगे दूसरा एक और राक्षस आता है जिसका नाम है प्रलंबासुर। वो प्रलंबासुर क्या करता है, एक ग्वाल बाल का ही रूप ले लेता है। जब कृष्ण बलराम खेल रहे होते हैं, वो रस्सी खींच का प्रतियोगिता, एक रस्सी है, दो तरफ दो पार्टियां बनी है, एक तरफ कृष्णा की पार्टी, एक तरफ बलराम की पार्टी, और उसको खींचा जा रहा है। और कृष्णा पहचान लेते हैं कि प्रलंबासुर एक बालक का रूप ले लिया है, ग्वाल बाल राक्षस उसको भेजा गया था वहां पे, और एक बालक के रूप में वो आ गया बलराम की तरफ और रस्सी खींच रहा है। और उसमें प्रतियोगिता था, जो हारेगा वो दूसरे दल को अपने कंधे पे रख के दौड़ करके लेकर के जाएगा। तो बलराम जी हार गए और वो प्रलंबासुर जो था वो कृष्णा की तरफ था। तो बलराम जी सॉरी बलराम जी जीत गए, कृष्णा का जो जो पार्टी है वो हारती है। तो प्रलंबासुर क्या करता है, बलराम जी को अपने कंधे पे रख के दौड़ता हुआ जाता है। तो सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते ना प्रलंबासुर ने बोला, प्रलंबासुर दूसरा रास्ता ले लेता है कि उसका मिसगाइड करने के लिए कि हमको इसको इसका वध करना है, इस बलराम का भी। लेकिन वो जैसे ही दौड़ना शुरू करता है, बाद में वो देखता है इतना वेट क्यों हो गया, छोटा सा बच्चा मेरे कंधे पर बैठा हुआ है, 5 इयर्स 6 इयर्स, और इतना वेट। तो बलराम जी का वेट जो है ब्रह्मांड से भी ज्यादा है, उनको इतना वेट लगता है कि उसको लगता है जैसे कि माउंटेन लेकर के चल रहे हैं अपने ऊपर। और तब बोलते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता है बलराम जी को, केवल एक फिस्ट, एक ही हाथ से प्रहार करते हैं उसके सर के ऊपर, और वो भव्य राक्षस जो है अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। और तब वो केवल भगवान की एक फिस्ट से उसका डेथ हो जाता है, प्रलंबासुर। इसलिए श्लोक में हमने पढ़ा प्रलंबारे, प्रलंबा और अरि, अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु। तो भगवान वैसे किसी के शत्रु नहीं है, लेकिन जो लोग धर्म के खिलाफ हैं, जो लोग नियमों के खिलाफ हैं, जो असुर होते हैं उनको असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, तो उनके खिलाफ है भगवान। तो भगवान ने क्या किया, प्रलंबासुर का, भगवान बलराम के रूप में प्रलंबासुर का वध करते हैं। तो बलराम जी जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब गुरु, पहले गुरु कौन है, बलराम जी। तो प्रभुपाद जी उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बलराम जी के। अब कोई बोलेगा कृष्णा आदि गुरु तो कृष्णा है, गोविंदम आदि पुरुषम या जगत गुरु, तो मैंने क्या बतलाया, कृष्णा और बलराम में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण भगवान अपने सारे कार्य, कृष्ण भगवान के सारे कार्य कौन हैंडल करता है, बलराम जी। बलराम जी ही क्रिएशन करते हैं, बलराम जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्रिएशन करते हैं, और यहाँ पे इस भौतिक संसार में उन्हीं का एक दूसरा अंश जो है जिनको हम बोलते हैं महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, उन्हीं बलराम के ही अंश है। तो मैनेजमेंट का काम, क्रिएशन का काम, ये सारा काम बलराम जी, देख रेख जितना भी है सब बलराम जी करते हैं, कृष्णा कुछ नहीं करते। ओके, लेकिन बलराम है कौन, भगवान स्वयं
स्वयं वो कृष्ण ही है, कृष्ण के ही रूप है। इसीलिए विष्णु जो हम बोलते हैं, हम बोलते हैं कि विष्णु से श्रेष्ठ है कृष्ण, करेक्ट। लेकिन फिर भी कृष्ण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है, विष्णु भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, कि रसों का फर्क है। और कृष्ण जो है अपने विष्णु रूप में, विष्णु अवतार में, बलराम अवतार में, बलराम अवतार तो नहीं बोल सकते हैं, विष्णु अवतार में बहुत सारी चीजों को हमारे समक्ष प्रदर्शित नहीं करते। इसीलिए बोलते हैं रस में फर्क है या कला में फर्क है, वे उस चीज को नहीं दिखलाते हैं, क्योंकि उनका उतना ही काम है, जिसका जिसका जो रोल है वो रोल पूरा करते हैं। और कृष्ण सारे अपने रसों को, सारे अपने लक्षणों को, गुणों को हमारे समक्ष रखते हैं। ओके, तो प्रथम गुरु जो है वो है बलराम जी, और बलराम जी की शादी की भी विशेष घटना है। बलराम जी की शादी होती है माता रेवती से, तो जो रेवती के पिताजी हैं ना, वे सतयुग के होते और द्वापर युग में है बलराम जी, तो सतयुग में वे अपनी डॉटर के मैरिज के लिए लड़के का चयन कर रहे होते हैं, ब्राइड ग्रूम। अब वो उसको ढूंढने के लिए और मिलने के लिए ब्रह्मा जी से कंसल्ट करने जाते हैं, आप मुझे बताइए कि इस पूरे पृथ्वी पर मेरी डॉटर के लिए, बच्ची के लिए कौन बढ़िया और श्रेष्ठ व्यक्ति है जो इससे शादी करेगा, किससे हम इनकी शादी करें। तो ब्रह्मा जी के पास, यहाँ से जो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं जाने में और वहां से आने, वहां पहुंचते पहुंचते यहाँ युग परिवर्तन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है आप मेरे पास आए, और मुझे पता है रेवती कौन है, लक्ष्मी ही है। लेकिन वो बोलते हैं, जब तक आप यहाँ आए हैं तब तक तो वहां युग परिवर्तन हो गया, अभी तो कोई व्यक्ति ही नहीं है आप जो आपके काल का है। लेकिन फिर भी अभी प्रेजेंट में उस पृथ्वी पर जो इनके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा वो यदुकुल में बलराम जी के नाम से, कृष्ण और बलराम में बलराम जी जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति, इनसे आप शादी करिए। देवक सॉरी रेवत जी जो है, रेवती के फादर, तो वो रेवती को लेकर के जब आते हैं यहाँ पर, तो आपको शायद मैंने बतलाया होगा हर एक युग में व्यक्तियों की लंबाई अलग अलग हुआ करती थी। जैसे अभी हर एक जितने लोग हम लोग हैं अपने हाथ से 3.5, अपने हैंड से 3.5 साइज के हम लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे युगों में ये अलग था, दूसरे युगों में तो द्वापर युग में जो था ये अभी 3.5 है, द्वापर में और भी ज्यादा था, सतयुग में और भी ज्यादा था। तो बलराम जी की जब शादी होने वाली होती है तो वो जो रेवती जी हैं वो बहुत लंबी होती है और उनके सामने बलराम जी बिल्कुल बौने लगते हैं, तो सारे लोग हंस रहे थे। तो बलराम जी ने क्या किया, वो तो हलाग्रह हलायुधा अपने हल को उठाते हैं, रेवती जी के सर पे लगाते हैं और ऐसे खींच करके अपने साइज की कर देते हैं। तो वो हल ऐसा नहीं है कि वो हल ऑर्डिनरी उनके हाथ में है, क्योंकि वो नंद बाबा के, नंद बाबा जो थे उनका क्या था, वैश्य थे, और वैश्य का क्या कार्य है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि। तो वो हल का, हल को ही अपना हथियार बना करके चलते थे, हल और गदा दो चीजों को, और हल भी ट्रांसेंडेंटल है उनका। फिर उसी हल से अब ये दूसरी और एक दूसरा एक और प्रसंग है, जब भगवान कृष्ण के की जो एक पत्नी जिनका नाम है जामवती, जामवंत की पुत्री, जो भगवान राम के समय में जामवंत थे, तो जामवती का जो सबसे पहला पुत्र है, आपको पता है कि 16108 रानियों के 10-10 पुत्र थे सबके, भगवान कृष्ण के द्वारा सभी रानियों में 10-10 पुत्र थे। तो जो सबसे पहले पुत्र थे जामवती के, उनका नाम था सांबा। तो सांबा क्या करता है, हस्तिनापुर जाता है, वहां पर स्वयंवर होने वाला होता है दुर्योधन की पुत्री का, दुर्योधन की बेटी का, लक्ष्मणा, बहुत ही सुंदर और क्वालिफाइड। सांबा क्या करता है, किडनैप कर लेता है स्वयंवर होने से पहले ही, सबको पता चल जाता है वहां पे कौरवों को, सारे लोग बड़े गुस्से में हो जाते हैं और फाइटिंग शुरू होता है, पकड़ो।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, उस युग में द्वापर युग तक अगर किसी व्यक्ति ने मेल ने किसी फीमेल को टच कर दिया तो अब उससे कोई दूसरा व्यक्ति शादी नहीं करेगा। तो कौरवों ने बोला देखो शादी तो उससे करना है, अब तो क्या होगा, दूसरे तो किसी और से होगा नहीं, लेकिन उसको सबक सिखलाना चाहिए सांबा को, तरीका गलत किया है उसने। तो बोलते हैं वो सांबा इतना शक्तिशाली था, भगवान कृष्ण के सारे पुत्र भगवान कृष्ण की तरह ही शक्तिशाली थे, क्योंकि वो सारे भगवान के अंश थे, विष्णु ही थे, आप बोलिए सारे विष्णु थे। तो उनको हराना संभव नहीं था किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ के। तो वहां के जितने इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं, जितने भी पावरफुल सैनिक और सेनापति हैं, वे सभी मिलकर के इम्पोर्टेंट ये पांच लोग थे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, कर्ण, और उसके बाद आपको भीष्म देव, युधिष्ठिर सॉरी दुर्योधन और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, ये पांच मिलकर के उनको एक साथ पकड़ करके एक साथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद सब मिल करके उनको कैप्चर करता है, बांधता है। तो वे सारे लोग देखते हैं और कि ये तो बड़ा ही शक्तिशाली है। वे सारे लोग बोलते हैं, वे सारे लोग एक मिनट, तो क्या होता है कि वे उनको बांध लेते हैं। ये खबर तुरंत नारद मुनि बतला देते हैं द्वारका में कि ऐसे ऐसे सांबा को कई लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति के साथ युद्ध किया और उसको उन्होंने बांध रखा है। तो जितने भी लोग होते हैं वहां के, वे बड़े ही गुस्से में होते हैं फाइट करने के लिए कौरवों से, लेकिन बलराम जी बोलते हैं नहीं, हमें वहां जाकर के बातचीत करना चाहिए और उनको मना करके बता करके दोनों को लेकर के आना चाहिए। तो बलराम जी वहां जाते हैं और बलराम जी वहां पर जाकर के बोलते हैं कि हमें पता चला है कि आप लोगों ने युद्ध तो किया सांबा के साथ, लेकिन एक धर्म के तरीके से ना करके युद्ध के नियमों के विपरीत आपने कई लोग मिलकर के आपने उनके साथ फाइट किया एक के साथ। फिर भी कोई बात नहीं है, महाराज उग्रसेन का कहना है कि आप सांबा को और लक्ष्मणा को हमारे साथ भेज दीजिए और युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ऐसा उनका ऑर्डर है। तो जब इसको सुनते हैं ये सारे लीडर्स यहाँ के कौरवों के, उनको अच्छा नहीं लगता है प्रपोजल, और वो लोग फाइट करने के लिए बोलने चिल्लाने लगते हैं। बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है और बलराम जी तुरंत अपने हल को उठाते हैं और पूरी की पूरी हस्तिनापुर को ही ड्रैग करने लगते हैं, खींचने लगते हैं यमुना में, पूरा का पूरा हस्तिनापुर यमुना के अंदर समाहित करने वाले थे वो खींच करके। तो जैसे ही वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पावरफुल, क्या होता है, एक जैसे लगता है कि भूकंप आ गया। तो जब ऐसा होता है तो जितने भी वहां के लीडर्स हैं ना, श्रेष्ठ सेनापति लोग, उनको पता चलता है अरे हमने ये क्या कर दिया, ये कोई आम व्यक्ति तो नहीं है। तुरंत उनको पता चल जाता है कि बलराम जी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बलराम तो स्वयं भगवान है। ये सारा प्रसंग 10वें स्कंद में भागवत में आता है और तब उनके द्वारा भगवान बलराम जी की स्तुति की जाती है और उस स्तुति में बतलाया जाता है कि आप यहाँ इस रूप में हैं, लेकिन आप कौन हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपसे आता है और हम सभी सारे देवता जिनको बोलते हैं लोकपाल, वे लोकपाल आपके लोटस फिट, आपके चरण के धूल के लिए लालायित होते हैं। तो वे पर्सन भी जो हैं, ऐसे लोग भी
और हम लोगों ने इतना बड़ा मूर्ख कार्य कर दिया है, तो मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ करिए, कौरव लोग बोलते हैं। और फिर क्या होता है, दुर्योधन जो है बहुत सारा डौरी देता है अपनी बेटी को, और साथ में बहुत सारे हाथी घोड़े और चीजों को दे करके उनको विदा करता है द्वारका के लिए, उन दोनों को लेकर के। ओके, सो डौरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डौरी जो था वो पेरेंट्स खुद से देते थे वॉलेंट्रली, वो तरीका था, आउट ऑफ लव। मांगने का कोई वो प्रथा नहीं होता है कि डिमांड, ये हमको चाहिए। तो ये सारी चीज, जैसे सती प्रथा, सती जो हुआ करती थी वो फोर्सफुल नहीं है, एवरीबॉडी सती है ना, वो आउट ऑफ लव या आउट ऑफ सेपरेशन होता था कि हम सेपरेटली नहीं रह सकते हैं, हमारा हस्बैंड नहीं है तो हम अब रह ही नहीं सकते हैं विरह में, सो आउट ऑफ लव, तो वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, ये भी फोर्सफुल नहीं। सो वहां पर क्या देखे हम कि भगवान बलराम की शक्ति का पता चलता है उनको, वे भूल जाते हैं और मूर्खता पूर्ण कार्य करते हैं उनसे युद्ध करने का। तो बलराम जी जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की के मित्र थे, ग्वाल बाल थे, ऐसे ही बलराम जी का भी के भी ग्वाल बाल थे, उनकी भी, उनके भी सखाएं थे, इंपॉर्टेंट सखा। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, बलराम जी भी बांसुरी बजाते थे। एक्चुअली सारे ग्वाल बाल के पास फ्लूट था, लेकिन सबसे बेस्ट कृष्णा बजाते थे। ओके, जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला होती थी, वैसे ही बलराम जी की भी रासलीला होती थी। ओके, तो और दूसरी घटना है रुक्मिणी के ब्रदर की रुक्मी। वो रुक्मी क्या था, उसका उसका जो सर्कल था ना, फ्रेंड सर्कल, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वे सारे असुर मेंटालिटी के लोग थे, काशीराज और जयद्रथ और उसके बाद शिशुपाल, ये सारे उसके फ्रेंड सर्कल थे। तो वो हर समय कृष्णा को भी लाइक नहीं करता था, लेकिन क्या करे, विवश होकर के शादी करना पड़ा था। वहां भी युद्ध हुआ था और उसमें रोक नहीं पाया था, जब भगवान कृष्ण आए थे और रुक्मिणी जी को लेकर के गए थे। तो फिर क्या होता है कि वो तो हो गया, शादी हो गया, मैरिज हो गया, किसी पार्टी फंक्शन में, किसी उसमें वो भी है साउंड स्पीकर, तो एक पार्टी चल रहा था, तो उसको अटेंड करने के लिए रुक्मिणी और कृष्णा जाते हैं। वहां चेस चल रहा था उस पार्टी में, है ना। तो उस चेस में क्या हो रहा था कि बलराम जी को चीटिंग करके रुक्मिणी ने हरा दिया, चीट करके। और बलराम जी देख रहे हैं, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, चीट करके उसको वो हरा रहे हैं। अब ये ऑब्वियसली वो जो चेस होता है वो जुआ ही है, लेकिन आपने तो पढ़ा है जुएबाजी नहीं करनी है फोर ग्रेट प्रिंसिपल्स में, ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब चार वर्ण होते हैं, चातुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण को इसमें से कोई भी काम सब वर्जित है उसके लिए, क्षत्रिय के लिए कुछ लिमिट है, जैसे क्षत्रिय अल्कोहल भी ले सकता है, क्षत्रिय कभी कभी मीट ईटिंग भी करते हैं और गैम्बलिंग भी करते हैं, द्युत, वो जो द्युत क्रिया होती है, जो चेस मैच होता था, वे भी वो उनके लिए एक फाइटिंग के समान है। ओके, बस खून खराबा नहीं होगा, लेकिन बाकी सब कुछ हो जाएगा। आपने देखा कैसे पांडवों ने किया था, तो सब कुछ चला गया दांव पे, जैसे युद्ध में कोई व्यक्ति हारता है वैसे चेस में भी हार जाता है, तो वो क्षत्रियों के लिए अलाउ था। ओके, तो यहां पर वो युद्ध कर रहे, चेस खेल रहे थे उनके साथ, लेकिन वो चीटिंग करके जो है भगवान बलराम जी के साथ वो चीटिंग कर रहा था, तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आ गया और उपहास भी कर रहा था हराने के बाद, और उसके बगल में उसके और कई सारे फ्रेंड थे, वो बहुत दांत खोल करके हंस रहा था एक तो जो था। तो बलराम जी ने क्या किया, एक फिस्ट मारा, एक जो उसके साथ एक दूसरा एक और उनका फ्रेंड था, दांत खोल के उसके सारे दांतों को तोड़ दिया उन्होंने, और रुक्मी को तो एक ही, यहां भी बस बलराम जी ज्यादा युद्ध नहीं करते थे, बलराम जी बस एक शॉट लगाना है, बस
उसको भी रुक्मी को भी एक हाथ मारा, वो वही मर गया। और कृष्णा बैठे हैं बगल में और रुक्मिणी जी भी बगल में बैठी हैं, और रुक्मिणी जी के भाई का काम तमाम हो गया। और इससे पहले जब भगवान कृष्ण मारना चाह रहे थे रुक्मी को, तो रुक्मिणी ने बोला, रोका था, और उस समय बलराम जी ने भी नहीं मारा था, बलराम जी सेनाओं से लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण जो है वो रुक्मी के साथ फाइट कर रहे थे, तो उस समय छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ अब बलराम जी गुस्से में है, किसी ने कुछ नहीं बोला, कृष्णा भी शांति से देख रहे हैं, रुक्मिणी जी भी शांति से देख रही कि उसका प्रॉब्लम था। तो बलराम जी का बिहेवियर जो था बड़ा गंभीर थे, बलराम जी गंभीर मुद्रा में रहते थे हर समय, नियम बिल्कुल सही से लगना है। जैसे भीम और दुर्योधन के बीच जब गदा युद्ध हो रहा था, वहां भी जब भीम ने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके उसके कमर के नीचे हिट किया क्लब से गदा से, तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया और बलराम जी बोले कि अभी मैं भीम की हत्या भीम का वध कर दूंगा, इसने गलत किया है, इसने रूल को तोड़ा है गदा युद्ध का। तो कृष्णा ने संभाव उनको पकड़ लिया और याद करवाया कि कौन से रूल और नियम की बात कर रहे हैं आप, करेक्ट, इतने सारा ये जो 10 डेज जो युद्ध हुआ उसमें आप तो कहीं दिखाई नहीं दिए, और अभी आप आ गए युद्ध के लिए, कितने नियम टूटे हैं अब तक, तो अब कोई नियम ही नहीं बचा है। तो वहां पर सेव करते हैं, और तो हमने बात किया नियमों का, बड़े पक्के थे। और फिर जब वे उस महाभारत शुरू होने से पहले जब बंटवारा होता है, मतलब सारे लोग अप्रोच करते हैं कि आप मेरी तरफ से युद्ध करिए, मेरी तरफ से युद्ध करिए, तो बलराम जी ने बोला मैं दोनों की तरफ से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, देखो दोनों हमारे रिलेटिव्स हैं और दोनों मेरे शिष्य हैं दोनों तरफ। तो वो वहां से द्वारका से निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, और नैमिषारण्य जनक और वो जाते हैं, इवन जगन्नाथपुरी भी जाते हैं, पूरे भारत में जाते हैं, कन्याकुमारी हर जगह भ्रमण करते जाते हैं। तो वे भ्रमण करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, नैमिषारण्य लखनऊ के पहले पड़ता है 100 किलोमीटर पहले सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां वहां पर महाभारत, वहां पर भागवत की कथा चल रही होती है, और कौन बोल रहे होते हैं, तो उनका नाम है रोमहर्षण सूता, सूत गोस्वामी के फादर, आप जो भागवत में पढ़ते हैं सूत गोस्वामी, वे सूत गोस्वामी के फादर भागवतम बोल रहे होते हैं। तो बलराम जी जैसे ही वहां आते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बाकी सारे ऋषि, लेकिन ये जो ऋषि रोमहर्षण सूता है वो अपनी व्यास गति से हिलते भी नहीं है और बड़े ऐसे भाव में देखते हैं, सबको पता कि सामने भगवान आ रहे हैं। तो नियम है कि व्यास गति से जनरली लोग उठता नहीं है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति भी आया, लेकिन यहाँ पर जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है, व्यास गति क्या कहीं से भी उठ सकते हैं, लेकिन अहंकारवश वो उठता नहीं है। तो बलराम जी क्या करते हैं, एक घास का तिनका लेते हैं और उस तिनको को ऐसे फेंकते हैं और उसका गला कट जाता है और मर जाता है। और तब सारे ऋषि बोलते हैं ये तो गलत हो गया, ये तो भागवत की कथा चल रही थी, अब कौन पूरा करेगा, भागवत पूरा नहीं होगा। तो बलराम जी बोलते हैं कि ये जो था कंटामिनेटेड सोल था, क्या, क्योंकि प्रतिलोम विवाह हुआ था, मतलब प्रतिलोम का अर्थ होता है जब वाइफ उच्च कुल में हो, ये तब की बात की जा रही, अभी नहीं, अभी तो कोई कुल या अभी कोई कास्ट कुछ है ही नहीं, अभी दूसरे समय में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका फर्क था। ब्राह्मण लोग मींस हायर मेंटेलिटी मींस उनका बिहेवियर, उनका टॉकिंग, उनका सब कुछ डिफरेंट होगा। अगर आप ब्राह्मण में जाएंगे तो आपकी मेंटेलिटी वैसी ही हो जाएगी, ऐसा होगा, बाय नेचर होगा, कलयुग में नहीं, ये पहले हुआ करता था, द्वापर युग तक था ऐसा। तो उन्होंने बतलाया कि जो रोमहर्षण सूता है इसकी वाइफ तो ब्राह्मण कुल में थी, लेकिन इसका वाइफ, इसकी, इसके जो फादर थे वो क्षत्रिय कुल में थे, तो इसको प्रतिलोम हो गया। जनरली क्या होना चाहिए, हायर कास्ट में, अभी नहीं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, मेल हायर होना चाहिए, ओके, लेकिन तो उसको प्रतिलोम बोलते अगर ऐसा हो गया तो इसीलिए कंटामिनेशन था ये, इसलिए इसके मन में ऐसी भावना आई।
तो बोले कंटिन्यू कर करेगा भागवतम, तो इसका जो पुत्र है रोमर्षण सुता का, जो पुत्र सूत सूत गोस्वामी, वो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बाद में उसी भागवत को कंटिन्यू करते हैं सूत गोस्वामी। तो इस प्रकार से वहां भी हम क्या देखते हैं, बलराम जी ने नियम और चीजों को देखा और फिर वहां पर जो है रोमहर्षण सूता, जो कि फुल्ली क्वालिफाइड नहीं थे भागवत बोलने के लिए, उनका वो क्या करते हैं, उनका ये वध, जब भगवान किसी को मारते हैं या भगवान किसी को आशीर्वाद देते हैं, दोनों ऑस्पिशियस होता है। तो वहां क्या हो रहा है, वहां पर उसका उद्धार हो गया। जितने लोगों का वध किया बलराम जी ने, सबका उद्धार हुआ। तो भगवान के द्वारा आशीर्वाद हो या भगवान किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, दोनों ही उस व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद है, उसके लिए वो फायदेमंद चीज है, अच्छी बात है उसके लिए। तो बलराम जी जो हैं, रेवती जी से उनकी शादी हुई, लेकिन बलराम जी का कोई पुत्र नहीं था, बलराम जी का, ओके। और कृष्णा के कितने पुत्र थे, पूरी फैमिली कितनी थी, बोलते हैं 1 बिलियन, 100 करोड़, 100 करोड़, इतना पॉपुलेशन केवल कृष्णा की फैमिली बोल रहे हैं, बाकी यदुओं की नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण की 16,108 वाइफ्स, उन सारे 16,108 वाइफ्स के सबके 10-10 बच्चे, उन सब दसों के 10-10 बच्चे, तो ये बड़ी सी सेना। बोलते हैं कि टीचर्स जो आते थे पढ़ाने के लिए, उनकी संख्या ही ऐसे लाखों में होती थी, टीचर्स जो पढ़ाने आते थे वहां पर, ओके। सो और इसके अलावा बाकी सारे यदूज थे जिनके पुत्र लोग थे, उनके वंशज थे। तो बलराम जी के कोई पुत्र नहीं थे, वही बलराम जी फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आते। सच्ची सुता हैला जी, जो सच्ची सुता है, जो चैतन्य महाप्रभु, वो कौन है, वो नंद सुता, वे नंद के और यशोदा के जो पुत्र है, वही सच्ची सुता के रूप में उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। और बलराम होइला निताय, और जो बलराम जी है वही निताय है, वही नित्यानंद प्रभु है। और आपको पता है कि नित्यानंद प्रभु जो है, उनको बोलते हैं उनके लिए एक शब्द आता है, सन्यासियों का एक विशेष कैटेगरी है जिसको बोलते हैं, जो कि कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं किसी को पता है क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है उसको, दो तीन ऐसे केसेस हैं जो कि उस रूप में आते हैं भागवत में, एक दो और लोगों के विषय में ऐसी चर्चाएं हैं। वे सन्यासी थे, बलराम जी सन्यासी, 10 वर्ष की आयु से ही वो चले गए थे एक सन्यासी के साथ घर से, उसका घर लौट करके भी नहीं आते हैं उस समय, जब तक उनके फादर मदर चले जाते तब आते हैं, और उनके साथ वो खुद सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन उनका पहनावा नहीं था सन्यासी की तरह, ओके। वे ब्लू कलर की धोती पहनते थे, डंडा था उनके हाथ में, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं वे, तो अपने डंडे को भी तोड़ के फेंक देते हैं। पहले सन्यासी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको बाद में क्या बोलते हैं कि अब आप शादी करो, और चैतन्य महाप्रभु उनकी शादी करवाते हैं, ठीक है। तो उनकी दो वाइफ्स होती है, दोनों सिस्टर्स होती है। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्यों शादी करवाते हैं, बोलते हैं कि पिछले युग में जब बलराम के रूप में आए वहां भी आपकी कोई संतान नहीं, अब मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो वीरचंद प्रभु जो नित्यानंद प्रभु के लड़के के रूप में आते हैं, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो बलराम जी हैं वही नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु प्रथम गुरु हैं, फर्स्ट गुरु हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु तत्व, मतलब जितने स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं चारों परंपराओं के, गुरु शिष्य परंपराओं के, संप्रदाय के, वे सारे बलराम जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आदि गुरु, फर्स्ट गुरु वो है बलराम जी। तो प्रभुपाद जी बतलाते कि अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, तो बिना बलराम जी की कृपा से
हमको वो आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और बिना बलराम जी की आशीर्वाद से, कृपा से, हमको कभी भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे बोलते हैं राधा रानी, अगर वृंदावन जाना है, कृष्ण को पाना है, तो राधा रानी तरीका है। वैसे ही बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचना है तो आपको नित्यानंद प्रभु के थ्रू जाना पड़ेगा। तो बलराम के द्वारा ही हम भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में कौन है, राधा रानी भी हैं और बलराम जी भी हैं। ओके, हम जितने सारी चीजें भगवान की सेवा में यूज करते हैं वो सारी चीजें बलराम जी के एक्सपेंशन होते हैं। हम लोग मृदंग बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, करताल, ये सारी चीजें बलराम जी का एक्सपेंशन बोला जाता है। हम लोग उसको ऐसा ढोलक वोलक नहीं समझते हैं, ऐसे ही फेंक दिया, वो उनकी पूजा होती। आप देखेंगे जब हम लोग का संकीर्तन होता है तो हम लोग वहां इसको रखते हैं, खोल, या जिसको हम लोग मृदंग बोलते हैं, उनकी पूजा होती है, वे बलराम जी की एक्सपेंशन। क्योंकि कृष्णा हर चीज, जो भी चीज यूज करते हैं, वे सारी चीजें बलराम जी का ही फॉर्म है। तो इसलिए बलराम बड़े ही विशेष व्यक्ति हैं, और इसीलिए हमको बलराम जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अगर हमको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड बलराम। अगर ये जो आध्यात्मिक जो अनुभूति होनी है ना, वो बिना बलराम जी की कृपा से नहीं होगा। इसीलिए हमारे चैंटिंग में हरे राम जो शब्द आता है, वो राम सीता राम भी है और कृष्ण वो बलराम भी, वो राम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बड़े अच्छे ढंग से जप करना चाहिए, और प्रभुपाद जी ने जो भी रूल्स बतलाए हैं, जो हम पढ़ते हैं सुन रहे हैं, उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे। आप लोग का अगर कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, तो फिर हम लोग जप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ रेफरेंसेस दीजिए आज के जितने भी आपने बलराम जी की, ये जो बताया, जो भी मैंने बोला है, ये सारा 10th कैंटो 10वें स्कंद में 47th चैप्टर, देखिएगा 48th चैप्टर। हमने कुछ तो शुरुआत भी बोला है, जैसे मैंने जन्मोत्सव के विषय में बोला है तो वो दूसरा अध्याय है, 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय जब नामकरण होता है वो उसके बाद का चैप्टर है। टोटल 10वें स्कंद में मिलेगा बलराम जी के। आप उस पे चैप्टर में जाएंगे तो लिखा रहेगा नेम गिविन सेरेमनी ऑफ कृष्ण बलराम, उनका नामकरण जो होता है। फिर होगा ये जो मैंने बोला, जो बलराम जी ने रोमहर्षण सुता का वध किया, ये वहां मिलेगा। बलराम जी ने धेनकासुर का वध किया, वे भी आपको बिगनिंग के चैप्टर में ही मिल जाएगा। बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, तो ये कृष्ण बलराम की लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में या कृष्णा बुक में मिल जाएगा। ये सारा रेफरेंस वहीं से मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे वो प्रथम गुरु थे, जैसे वो चैतन्य महाप्रभु के रेफरेंस में नित्यानंद जी से लिंक्ड हैं, इनका रेफरेंस बताइए। लीलाओं का तो हमें मिल जाएगा, चैतन्य चरितामृत में मिलेगा ये लिंक। जो हमने जो श्लोक भी बोला आपको, वो सॉन्ग बोला जो कि आचार्य लिखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की का वो लिखा हुआ सॉन्ग है, और उस सॉन्ग में वो बोलते हैं कि सच्ची सूता जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम है। और जब चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे तो वहां पर जो भी बोला गया है उसके नीचे कोट किया गया है वर्सेस, कैसे समझेंगे सही में बोला जा रहा है। ओके, और रेफरेंस, और मैंने और क्या आपको जानना था, जैसे उनकी आध्यात्मिक शक्ति, हाँ, बलराम जी की कृपा से नहीं हो सकता है, उन्नति के विषय में जो हमने बोला, ये श्रीमद् भागवत में भी मिल जाएगा, जो हमने बोला फर्स्ट एक्सपेंस चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा है। मध्य लीला में 20वें अध्याय में जाएंगे आप, तब वहां पर आपको भगवान की एक्सपेंशन के विषय में पता चलेगा। जो हमने बताया था कृष्णा से पहले बलराम आते हैं, बलराम के बाद फर्स्ट चतुर्व्यूह आते हैं, वहां पर ये वर्णन होगा। ओके, तो सब सारा का सारा जो मैंने बताया क्रिएशन ही बलराम जी के द्वारा होते, चैतन्य चरितामृत में ही मिलेगा। हायर स्टडीज है, ये हायर स्टडी की चीजें हैं जो आपको वहां, ठीक है। हरे कृष्ण। यस सुनीता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि बलराम जी ने रोम हर्षण जी का वध किया था, तो फिर उनको, क्योंकि ब्रह्म हत्या जो है, जैसे भगवान राम ने भी रावण का वध किया था तो उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो उन्होंने उसके बाद यज्ञ किया था, तो ऐसे ही जब उन्होंने रोम हर्षण का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, ऐसे बताते हैं बलराम जी को। Okay. तो लेकिन वो तो उनके पिता तो निम्न जाति के थे, वो ब्राह्मण तो थे नहीं रोम हर्षण जी, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष कैसे लगा था फिर? मुझे रेफरेंस चाहिए, कहां से आप बोल रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट वहां पर आप पढ़ेंगे तो, अगर आपने बुक में पढ़ा है, प्रभुपाद जी जब ऐसे बोलेंगे तो प्रभुपाद जी आगे बदलाएंगे, करेक्ट? आपने खुद भी आंसर, आप खुद भी आंसर दे रही हैं। और बलराम जी ने कोई यज्ञ वज्ञ नहीं किया था, करेक्ट? जैसे रामचंद्र जी करते हैं। ओके, तो ब्रह्म हत्या प्रभु जी ब्राह्मण को मारने पे लगता था या किसी जीव की हत्या को ब्रह्म हत्या? नहीं, ब्रह्म हत्या मीन्स जीव हत्या नहीं है, ब्राह्मण की हत्या, स्पेसिफिकली ब्राह्मण उसमें होना चाहिए, ब्राह्मण कैटेगरी में। और वो ब्राह्मण आजकल का ब्राह्मण नहीं, अगेन क्वालिफाइड ब्राह्मण, जिसके पास 11 है उसके पास क्वालिटी होने चाहिए, जिसकी जिसका वर्णन भगवान कृष्ण करते हैं हमारे भगवत गीता में 18वें अध्याय में, है ना। ब्राह्मण के 11 लक्षण होते हैं, क्षत्रिय के 9 लक्षण होते हैं, शूद्र के उससे और कम, वैश्य के उससे भी कम होते हैं, और शूद्र का एक ही लक्षण है, सेवा करना तीनों हायर कास्ट को। और इसको तीन हायर कास्ट बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तीन अपर कास्ट, और लोअर में बस एक शूद्र आता है, लेकिन इन तीनों में सबसे हायर जो होता है वो ब्राह्मण होता है। ये जन्म के आधार से नहीं, गुणों और कर्मों के आधार। किसी और का कोई प्रश्न है? सो आज का जप, हरे कृष्ण प्रभु जी, वाल्मीकि जी ने उत्तर रामायण लिखा था। रामायण कहाँ से आ गया अभी? नहीं, आपने बोला ना कि जैसे बलराम जी ने फिर, मतलब वो छोटे बने तो उनको बड़े भाई का बात मानना पड़ा, फिर इसलिए वो द्वापर युग में आए बड़े भाई बन के। हाँ हाँ, तो रामायण मतलब, मतलब उत्तर रामायण मैंने सुना कि तुलसी जी ने बाद में लिखा, मुझे जानकारी नहीं इसलिए पूछ रही थी कि उत्तर रामायण। अच्छा, आपका कुछ अलग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है। आप क्या पूछ रहे हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा या वाल्मीकि? आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना है, तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने रामायण के ऊपर टीका लिखा है, कमेंट्री जिसको बोलते हैं रामचरितमानस, ठीक है? वो रामायण नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों में डिफरेंसेस है। रामायण में सीता स्वयंवर की चर्चा नहीं है, वाल्मीकि जी नहीं करते सीता स्वयंवर की चर्चा, तुलसी दास जी के जो रामचरितमानस में सीता स्वयंवर की चर्चा। तो एक कमेंट्री है और एक ओरिजिनल क्या है, वो रामायण ओरिजिनल है, इसलिए प्रभुपाद जी हर समय रामायण से ही रेफरेंस लेते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं तो रामचरितमानस से नहीं। ओके, क्योंकि रामायण के ऊपर कमेंट्री बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे रामायण। तो उत्तर रामायण की जो कथा है तो क्या वो वाल्मीकि जी ने लिखी है? हाँ, वाल्मीकि जी ने ही लिखी है ना, रामायण तो वाल्मीकि जी ने ही लिखा है। उत्तर रामायण में जैसे सीता जी को वनवास हुआ तो क्या ये मतलब वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है कि मतलब सब करेक्ट? तो लिखित नहीं है तो कैसे हम लोग को पता चला? नहीं, कहीं कहीं मतलब जो जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसे फेसबुक वगैरह में देखे कि जैसे ये सब जो घटना है बाद में पढ़ा दिया गया, वो वाल्मीकि जी ने लिखे। उत्तर और उत्तर का अर्थ क्या होता है? बाद में रामायण और उत्तर जो बाद का पोर्शन है, करेक्ट? ये तो आप टीवी में देख रहे हैं, उत्तर रामायण कर दिया बाद के आने के बाद, जब वनवास का वो है सब कुछ जो वर्णन है आप उसी रामायण में देखिए ना, तुलस वो लव और कुछ जब जाते हैं वहां पर और जब कथा सुनाते हैं वहां सब कुछ सुनाते हैं, और क्या बोलते हैं, ये कथा हमने किससे सुना है? अपने गुरु से सुना है। फिर प्रश्न क्यों उठ रहा है उत्तर रामायण किसने लिखा? मैं उसी उत्तर रामायण की बात कर रहा हूं, अगर सीरियल की भी बात करेंगे तो, जब लव और कुश रामचंद्र जी की सभा में जाकर के जब रामायण सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मेरे गुरु ने लिखा है, गुरु ने मुझे सुनाया है। आपने रामायण देखा है? हाँ, देखा तो है बचपन में, याद करिए। हाँ, ये फेसबुक से न जाए, फेसबुक को अपना वो न बनाए गुरु, आ जाता है यूट्यूब, है ना, ऑथराइज नहीं है ना, कोई भी कुछ भी लिख के भेज देता है। ओके,
सो रामायण तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं, जो ब्रह्मलोक में चलता है 100 करोड़, और यहां तक आते आते हम लोग के लिए कितना है, 24,000 श्लोक है रामायण में, 24,000 श्लोक है जो पृथ्वी लोक पे अवेलेबल है संस्कृत में। रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधि में है, ठीक है। चलिए और कोई प्रश्न है आज से कुछ रिलेटेड? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये आज से तो रिलेटेड नहीं है प्रभु जी, ये भागवतम में से है। हाँ, श्लोक नंबर 65 में। ओके यस यस। इसमें प्रभु जी दिया है कि वह सदैव अध्यात्म आकाश में रहता है, जिसे वह अपनी भक्ति में सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को देखकर प्राप्त करता है। बद जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं समझाता हूँ, ठीक जी। प्रश्न है इनका, 7 काइंड्स ऑफ आवरण, 7 प्रकार के आवरण जीवों के ऊपर होता है, बद्ध जीव के ऊपर। आप लोग को याद है हमने बतलाया था 7 कवरिंग ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के ऊपर भी 7 प्रकार का लेयर है, हमारा शरीर भी, और लेयर क्या है वही अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, ये तो हो गए 5। उसके ऊपर है माइंड, ठीक है, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस, ये 8 हो गए ना, तो फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस मिलके एक ही रहता है, तो 7 लेयर यही है ब्रह्मांड का। हमारे शरीर के ऊपर भी एक्चुअली केवल 7 ही नहीं है, 16 है एक्चुअली, 16 लेयर है हमारे पास। और हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द है ना, कलि संतरण उपनिषद में बोला गया है, ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 शब्द जो है इसके उच्चारण से हमारे शरीर पे 16 लेयर हैं। लेयर मींस 16 तत्वों से बनके मिलके शरीर बना है, उसी को लेयरिंग बोलते हैं। वो सारे लेयर्स टूटते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो वो सारे लेयर्स मैंने बता दिया आपको 7 के साथ। हमारा शरीर भी उसी तत्वों से मिलके बना है जिससे ब्रह्मांड मिलके बना, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा शरीर सैंपल यूनिवर्स, और एक यूनिवर्स मेन तो है ही, हम सबों में वही गुण है जो पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के परमात्मा जो है वो गर्भोदक शाही विष्णु है, और हमारे परमात्मा क्षीरोदक शाही विष्णु है, ओके आत्मा सॉरी, ठीक है। तो आज का जप भावना गुप्ता माता जी आप करवाइए, मैं यहां से निकलूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री ताई गौरंग की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, बलराम पूर्णिमा की जय, जय श्री बलराम जन्मोत्सव की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा गौरव भी हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा गौरव, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सो सबको जप करना है, अच्छे से जप करिए जितने लोग कर रहे हैं सभी मिलके, है ना, फिर बलराम जी का आशीर्वाद मिलेगा, ओके। हरे कृष्णा, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर आशीर्वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सबको।